खड़ा हुआ दिखाई दिया अमृतपाल, दिल्ली के मधु विहार का बताया जा रहा है वीडियो, सीसीटीवी 21 मार्च का बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ये अमृतपाल है, ये जो लंबा सा शख्स आपको दिख रहा है ये अमृतपाल सिंह बताया जा रहा है। मधु विहार का ये वीडियो है, ये जो मास्क पहने हुए है शख्स आप देख रहे हैं, ये अमृतपाल बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये जो पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई है ये अमृतपाल बताया जा रहा है। भगोड़े अमृतपाल का एक सुराग मिला है और ये सुराग ये है कि दिल्ली में टहलता हुआ दिख रहा है। ये सीसीटीवी सामने आया है, सीसीटीवी मधु विहार इलाके का बताया जा रहा है। ये देखिए, ये अमृतपाल का बताया जा रहा है। ये देखिए चश्मा पहना हुआ है और पगड़ी उतर चुकी है, हुलिया बदला हुआ है, जो सबसे आगे चल रहा है उसके बारे में। ये जो सबसे आगे चल रहा है उसके बारे में एक चश्मा पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, बाल खुले हुए हैं लेकिन पगड़ी नहीं है। ये हुलिया बदल चुका है अमृतपाल का और दिल्ली में टहलता हुआ दिखाई दिया। जितेंद्र, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमृतपाल के बारे में एक और सुराग मिला है कि दिल्ली में था वो। जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात की चर्चाएं थी और इस बात के बारे में बताया जा रहा था कि अमृतपाल जो है वो दिल्ली के अंदर एंटर कर चुका है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये 21 मार्च 2023 की है और ये शाम का वक्त है, 5:17 के करीब का है वक्त। और आप देख सकते हैं ईस्ट दिल्ली का मधु विहार इलाका है जहाँ पर पप्पल प्रीत मास्क लगा के दिखाई दे रहा है, कंधे पे उसने बैग टांगा और ठीक उसके आगे जो शख्स चल रहा है लंबा चौड़ा वो शख्स अमृतपाल सिंह है। अमृतपाल सिंह ने फिलहाल अपनी पगड़ी हटा दी है और वो जीन्स और टी शर्ट और शर्ट पहने हुए साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल दिल्ली में मौजूदगी इनकी 21 मार्च को दर्ज की गई है। हालांकि वो दिल्ली के अंदर मधु विहार के अलावा किन किन जगहों पर घूम रहे हैं, कहाँ पर छिपे हुए हैं, इस बारे में अभी तक कोई भी सुराग उनका पता नहीं चल सका है। जी। और जितेंद्र, ये इस वीडियो में अमृतपाल तो दिख रहा है लेकिन पर्पल प्रीत भी दिख रहा है और अमृतपाल का हुलिया चेंज हो चुका है। पंजाब पुलिस पहुंच चुकी है नेपाल तलाश करने के लिए कि अमृतपाल कहां भागा होगा। ये एक तरह से लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है, हुलिया बदल बदल के चकमा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ये पंजाब से फरार हुआ था सबसे पहले इसने कुरुक्षेत्र में अपनी पगड़ी बदली है, उसके बाद इसने अपनी पग हटा दी है, बाल खुले हैं इसके, उसके बाद इसने जो उसका चोला होता था वो फिलहाल बदल दिया था। बीच में बताया जा रहा था कि साधु के वेश में भी ये घूमते हुए कई जगहों पर दिखाई दिया कुरुक्षेत्र में और अब ये फिलहाल जीन शर्ट और टी शर्ट पहने हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसने बाल अपने खोले हुए हैं। इसके अलावा जो पप्पल प्रीत है वो अभी भी अपने पुराने हुलिये में ही है लेकिन पप्पल प्रीत ने अपना चेहरा छुपाने के लिए बाकायदा चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और पप्पल प्रीत पहले दिन से इसके साथ लगा हुआ और बताया जाता सबसे खासम खास जो है पप्पल प्रीत ही है। और जिस वक्त कुरुक्षेत्र में बलजीत कौर जो महिला थी जिसके यहां पर इन्होंने रात बिताई थी, वो जो बलजीत कौर थी वो भी पप्पल प्रीत की बेहद करीबी थी जिसकी फिलहाल गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन ये जो वीडियो है दरअसल ये 21 मार्च का है, यानी कि 21 मार्च को ये ईस्ट दिल्ली के अंदर मौजूद था और अब जो खबरें आ रही हैं वो इनके नेपाल भागने की आ रही है, यानी कि पिछले 7 दिनों के अंदर इसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, जो कि अब तक चाहे वो स्पेशल सेल हो या इसके अलावा पंजाब पुलिस हो चाहे आईबी की रिपोर्ट हो, उन सभी के मुताबिक ये नेपाल की तरफ भाग चुका है। लेकिन जो ये तस्वीरें हैं अब इन्हीं तस्वीरों के जरिए आसपास यानी कि मधु विहार मार्केट के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सभी की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि इनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। जी।